ठीक है, चलो देखो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स। इसके अंदर सबसे पहले जो हमें स्टडी करना है, देखो यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स के बारे में स्टडी किया है क्या? यस हाँ, तो बस ऑलमोस्ट वही है सब कुछ। ठीक है, फिर तो ज्यादा तुमको दिक्कत नहीं होगी समझने में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर। ठीक है, जैसे मान लो सपोज हमारे पास में दो सिस्टम है। सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, दो सिस्टम ले लिए, मान लो एक ये हो गया, छोटा सा ही बना रहा हूं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन आए, और दूसरा ये ले लिया। ठीक है, एक टेम एक ये एक सिस्टम, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है। ये बॉडी हॉट है और ये बॉडी कोल्ड है। अगर इन दोनों बॉडीज को आपस में ऐसे कांटेक्ट में लाया जाए, तो कुछ देर बाद क्या होगा कि हॉट बॉडी अपना टेम्परेचर लूज कर रही होगी और इट लूजेस इट्स एनर्जी एंड इट गेन्स इट्स एनर्जी। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद ये जब एक सिस्टम एक हो जाएगा, तो सिस्टम जब एक होगा तो ये कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि यहाँ पर तब तक ये प्रोसेस होती रहेगी, मतलब कि हॉट बॉडी है वो तब तक अपना टेम्परेचर लो करती जाएगी, मतलब अपनी एनर्जी को रिलीज करती जाएगी, जब तक कि कोल्ड वाला जो है उसका टेम्परेचर हॉट का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। बोलो, आई बात समझ में? तब तक ये प्रोसेस क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। सपोज मान लीजिए, जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक वेसल लिया और इसमें यहाँ तक तो पानी भरा हुआ है। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक छेद कर दिया, तो यहाँ पे एक होल करने के बाद में मैंने यहाँ पर बकेट रखी हुई है, तो ये पानी तब तक जाएगा जब तक कि दोनों के अंदर क्या होना हो जाए, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं आ जाए, तब तक क्या होगा, पानी जाता जाएगा। राइट, ऐसा ही होगा। तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर है बेटा? यस सर, तो सबसे यस पहले सर, चीज हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम को हम तब थर्मल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं कि व्हेन दे आर हैविंग द सेम टेम्परेचर। तो वी कैन से इफ दे आर एट द सेम टेम्परेचर देन वी कैन से टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। राइट, सो वी कैन से दे आर एट सेम टेम्परेचर। बोलो, क्लियर है यहां पर? दूसरा समझो, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरो दूसरा क्या है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए आपको एक डायग्राम से मैं समझा रहा हूं। यहां पे
देखो समझो, यहाँ पे मैं नामकरण कर देता हूँ, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। ये है, इसे कहते हैं एडियाबैटिक वॉल्व। इसे क्या कहते हैं? एडियाबैटिक वॉल्व। और ये है डायाथर्मिक वॉल्व, दिस इज डायाथर्मिक वॉल, ठीक है। अब समझो इस सिस्टम को समझने के लिए। इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम सी, अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि दो सिस्टम है ए एंड बी, तो सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ द थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इच अदर। समझ में आया? इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी, मतलब कि ए और बी ये किसके बराबर है? सी के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए एंड बी दे मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मतलब कि ए इज इक्वल्स टू सी है और बी इज इक्वल्स टू सी है। तो हम यहां से क्या ये नहीं कह सकते कि ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए? यस और नो? यस समझ में आया? दूसरी चीज, यहां पर जो हमने फिगर ड्रॉ किया है, यहां पर हमने ए एंड बी को सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ एडियाबेटिक वॉल, ठीक है। एडियाबेटिक वॉल का मतलब क्या होता है? अ वॉल विच डज नॉट अलाउ हीट फ्लो। समझ में आया? एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है? एडियाबेटिक वॉल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अ वॉल विच डज नॉट अलाउ हीट फ्लो, अ वॉल विच डज नॉट अलाउ हीट फ्लो। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। और डायाथर्मिक क्या होता है? डायाथर्मिक क्या होता है बेटा? विच पता है? अलाउज द हीट टू फ्लो। यस, विच अलाउज एग्जैक्टली। हीट टू फ्लो। डायाथर्मिक वॉल का मतलब होता है, बस दो ही लड़कियां पढ़ रही हैं क्या क्लास में? सब सो रहे हो? अ वॉल विच परमिट्स हीट फ्लो। बोलो, क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। यस। ओके, यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आगे समझिए। अब हम यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजों को देखेंगे, जैसे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब होता है कि एक असेंबली, एन असेंबली ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। समझ में आ रहा है कुछ या नहीं? जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने कंटेनर लिया हो, इस कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसे मेजर करेंगे? वॉल्यूम को, मतलब ये कितना नीचे जा रहा है या कितना ये ऊपर जा सकता है, उस वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर इसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं कि हाउ मच प्रेशराइज इट इज, एंड सेकेंड थिंग इज दैट वी कैन मेजर इट्स टेम्परेचर ऑल्सो, कि जब ये पार्टिकल्स को कंप्रेस किया जाता है उस टाइम पे टेम्परेचर क्या हो रहा है सिस्टम का। तो इस तरीके का जो असेंबली है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक
सिस्टम। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, सो हियर वी कैन से एन असेंबली ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग अ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्लियर बेटा? दूसरा है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के अंदर आप सभी को पता है कि प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये क्या है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम वेरिएबल्स की बात करें देन इंटरनल एनर्जी जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, एंट्रोपी जिसे एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को हम पी वी और टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो यहां पर हम ये कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट में देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर अ सिस्टम, इट्स कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, और हम उसे क्या लिखते हैं? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये क्या हो जाता है? इक्वेशन ऑफ स्टेट हो जाता है, राइट? आप सभी ने पढ़ा होगा इसे केमिस्ट्री के अंदर भी, यस और नो? यस सर। यस यस। ठीक है, देन देयर इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू बी टेकिंग प्लेस इफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम चेंज विद टाइम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू बी टेकिंग अ प्लेस इफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम चेंज विद द टाइम। मतलब कि प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर व्हेन चेंजेस विद टाइम, व्हेन चेंजेस विद टाइम टी, तब हम इसे क्या कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है। बोलो, आई बात समझ में? अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं? तो उसमें सबसे पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा है? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? पढ़ा है आपने? ठीक है, सो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ऐसा होता है कि एक ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इट टेक प्लेस एट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। दूसरा है आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है? तो ये कैसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है विच टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। बात आ रही है समझ में सभी को? यस सर। थर्ड है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, तो इट टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। बोलो, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, फिर देखो साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस, सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ये कह सकते हैं दैट अ सिस्टम returns to its original state। क्या कहेंगे? सिस्टम
system returns to its original state. Is called a cyclic process. बोलो आई बात समझ में? कोई दिक्कत? Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया. अब आगे देखो, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, इसे कैसे आप डिफाइन करेंगे? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, कोई बता पाएगा? अच्छा चलो, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस के अंदर एक चीज पहले समझते हैं. पहले देखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, इंटरनल energy of a gas, ठीक है. इसमें सबसे पहले देखो कि जो kinetic theory of gases, अगर आपने पढ़ी हो तो chemistry के अंदर, तो according to kinetic theory of gases, the molecules of a gas do not attract each other and such a gas is called an ideal or a perfect gas. ठीक है, सो वो मॉलिक्यूल्स गैस के जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं विद ईच अदर, एंड इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं और इस तरीके की जो गैस है, इसे हम क्या कहेंगे? आइडियल या फिर परफेक्ट गैस कहते हैं. सो वी कैन से मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर एंड सच अ गैस इज कॉल्ड आइडियल और अ परफेक्ट गैस. सो वी कैन से द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, the molecules of a gas do not attract each other and such a gas is called an ideal or perfect gas. बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. अच्छा, अब अगर हम देखें कि ये जो हमने स्टडी किया, ये तो आइडियल और परफेक्ट गैस के लिए है, बट रियलिटी में क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता भाई ऐसा. तो जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल फोर्सेस तो अप्लाई करते ही करते हैं, राइट? रियल गैसेस की जो कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है? दे एग्जर्ट म्यूचुअल फोर्स ऑन ईच अदर. यस और नो? दूसरी चीज, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रियल गैस पजेस इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी. फिर से रिपीट कर रहा हूं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रियल गैस पजेस इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी. ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं? भाई आप समझो, मान लो ये एक चैम्बर ले लिया आपने, ठीक है. अब इस चैम्बर के अंदर बेटा बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो मैं फिर भी बहुत बड़े बड़े दिखा रहा हूँ आपको, बट इससे भी बहुत छोटे होते हैं, मतलब आप देख ही नहीं सकते उनको, राइट? तो जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना आपको अभी, इसे क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. तो आप सभी जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है. बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पार्टिकल में होती है, वो पजेस करती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन. तो यहां पर आप देखो कि एक पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप बात करें तो एक
जैसे ये ए है और ये बी है, तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में सर्टेन डिस्टेंस है, तो इसे क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, राइट? और उसकी वजह से हमें जो एनर्जी मिल रही है उसे हम कह रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। बात आ रही है समझ में? सो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रियल गैस possesses intermolecular potential energy. ठीक है, अरे अब तो समझ में आया क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, कि अभी भी नहीं आया? आ गया सर समझ। तो हाँ ना बोलो तो मुझे पता चले आगे बढ़ूं कि नहीं चलूं। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, वर्क विल बी परफॉर्म्ड बाय द गैस अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ द गैस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, work will be performed by the gas against the intermolecular attraction and hence the potential energy of the gas will increase. If the volume of the gas increases, work will be performed by the gas against the intermolecular attraction and hence the potential energy of the gas will increase. जैसे मान लो यहां पर एक मॉलिक्यूल है और यहां पर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और हम यहां पर ये कह रहे हैं कि if the volume of the gas increase, अगर इसका volume increase हो, मतलब इसका जो volume है वो कितना हो गया, suppose इतना बड़ा हो गया इसका volume, ठीक है, तो क्या होता है कि ये कब increase होगा, जब यहां पर इसके बीच में और इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था उसके अगेंस्ट में इसे काम करना पड़ेगा टू इंक्रीज द वॉल्यूम, यस और नो? अरे ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, अगर ए और बी के बीच में सर्टेन फोर्स लग रहा है तो डेफिनेटली बी और ए के, अगर ए बी पे लगा रहा है तो बी ए पे लगा रहा होगा, यस और नो? तो अगर इसे अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना है, मतलब अगर ये इतना है और इसे अपना एरिया बढ़ाना है, तो एरिया बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर बी वाला जो है उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा कि नहीं, मतलब बी ए पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, राइट? यस सर। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि ये प्रोसेस होती है, मतलब जब ये अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए इट वर्क्स अगेंस्ट द अट्रैक्शन, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज। तो क्या इंक्रीज हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। बोलो, आई बात समझ में? और यस सर, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि टू कंप्रेस अ गैस, ये जो गैस है मान लो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, अगर हमें इसे क्या करना है, कंप्रेस करके छोटा करना है, क्या करना है, कंप्रेस करके छोटा करना है, तो हम क्या कह सकते हैं, टू कंप्रेस अ गैस अ वर्क हैज टू बी डन ऑन द गैस अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्क हैज टू बी डन ऑन द गैस, किस पे काम करना पड़ेगा, गैस के ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट? वर्क हैज टू बी डन ऑन द गैस अगेंस्ट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड हेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस विल डिक्रीज। तो कंप्रेशन के अंदर मतलब कि आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जब डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, जब डिक्रीज हो रहा है, उस टाइम पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और वॉल्यूम जब इंक्रीज हो रहा है,
तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। बोलो आई बात समझ में? यस सर। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है एनर्जी, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रही है। सो व्हाट वी कैन से, द इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ रियल गैस is function of its volume. ठीक है, and here we can say the kinetic energy according to kinetic theory of gases, the average kinetic energy of the gas molecules can be given as 1/2 mv² is equals to average energy है, इसलिए v bar लिखेंगे 3/2 kT। यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोगों को, 1/2 mv² is equals to 3/2 kT, ठीक है। और k क्या है? k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है? दूसरी चीज, यहां पर आपको एक बहुत ही क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि 1/2 mv² इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है, 3/2 kT, राइट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। बुलाई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट है पीवी डायग्राम, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में एक डायग्राम, कैसे इसका वर्किंग है वो हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए डायग्राम दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, सो हियर हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तीन वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिया है बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम, सो जस्ट स्टार्ट विद इट। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम ऑफ द सिस्टम। And thermodynamics variables are pressure and the volume. As you can see in the figure, there is a pressure and there is a volume. Right? Now the graph between the pressure and the volume is called PV diagram. ठीक है? यहाँ पर आप first diagram जो देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं that it represents PV diagram when the system undergoes expansion. When the system undergoes expansion from the state P1V1 to P2V2. क्या हो रहा है? पहले प्रेशर कितना था? P1, बाद में कितना हो जाता है? P2. वॉल्यूम कितना था? V1, बाद में कितना हो जाता है? V2. तो आप यहाँ पे ये ग्राफ भी देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं तो आपको और क्लियर दिखेगा। दिख रहा है सभी को? बोलो। ठीक है,
समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो P1 से P2 हो रहा है, वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा है, ठीक है? तो ये ग्राफ जो क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपेंशन. बोलो आई बात समझ में? What it represents? It represents expansion. ठीक है. दूसरी चीज यहां पर आप समझिए, सेकंड है कंप्रेशन. सेकंड क्या है? कंप्रेशन. कंप्रेशन में क्या होता है कि यहां पर ये कंप्रेशन का कर्व है जो कि किस ऑर्डर में जा रहा है, देखिए. समझ में आ रहा है? अरे भाई समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. में आपने देखा कि P1 से P2 हुआ, और कंप्रेशन में यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, कि जब प्रेशर P1 V1 है पॉइंट ए पे, कंप्रेशन की वजह से क्या हो जाता है? P2 V2. ठीक है, समझ में आ रहा है? और उसमें जो इंडिकेशन किया गया है उससे आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा, कंप्रेशन और एक्सपेंशन के बीच में. ठीक है, ओके. नाउ ये हो गया पीवी डायग्राम. वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, समझिए. वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन. तो समझिए, ओके, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ, राइट? ओके ना, सो यहाँ पर हमने एक गैस एंक्लोज सिलेंडर लिया है, और इसमें फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस पिस्टन कंसीडर किया है हमने. कैसा है? फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस. सपोज दैट द गैस अंडरगोज एक्सपेंशन फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ए टू द फाइनल स्टेट बी. When the pressure and volume becomes P1 V1 to P2 V2. बात आ रही है समझ में? So हमें find करना है कि ये P1 से P2 और V1 से V2 जो हुआ उसमें हमें कितना work किया, हमने कितना work किया होगा, मतलब कि gas ने कितना work किया होगा, right? So let's calculate the work done by the gas. तो हम क्या calculate करने वाले हैं? Work done by the gas. Work done by the gas. ठीक है. So suppose that at an instant during the expansion, the pressure and volume of the gas are P and V. And suppose that the piston moves through infinite simply small distance dx. ये इतना dx distance इसने move किया है. ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड सो दैट द वॉल्यूम विल बी वी प्लस डीवी. वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वी प्लस डीवी. तो हम यहां पे लिख सकते हैं द स्मॉल वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स ऑन द पिस्टन. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो वी कैन राइट फोर्स ऑन पिस्टन इनटू स्मॉल डिस्टेंस मूव्ड लिख सकते हैं ऐसे. तो डी डब्ल्यू हो जाएगा
ये जो फोर्स है उसको हम लिख देंगे प्रेशर इनटू एरिया, सॉरी प्रेशर इनटू एरिया, और स्मॉल डिस्टेंस मूव्ड को हम लिख देंगे dx। अब ये जो एरिया इनटू dx है इसे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू dx ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम dv। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इज इक्वल टू p टाइम्स ऑफ dv। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब हमें यहाँ पे टोटल वर्क डन फाइंड करना है, तो वी नो दैट कि प्रेशर p1 से p2 हो रहा है और वॉल्यूम v1 से v2 हो रहा है, राइट? बट यहाँ पर एक चीज समझे कि हमने प्रेशर को क्या रखा है, कांस्टेंट, राइट? सो हम यहाँ पे कहेंगे द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द गैस फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ए p1 v1 टू द फाइनल स्टेट p2 v2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन dw = p dot dv एंड बिटवीन द लिमिट्स v1 टू v2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे v1 से v2 हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2 p इंटू dv। ये स्टैंडर्डाइज हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगी इस तरीके से। बोलो, आई बात समझ में? हेलो। यस सर। ओके ग्रेट, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए देखिए, अब इसी चीज को हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बताया एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, उसी तरीके से हम वहां पे एरिया अंडर द कर्व निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसका बनेगा ग्राफ। देखिए यहाँ पे, तो ये जो हमने किया बेसिकली ये एक एनालिटिकल मेथड होता है, ठीक है, और यहाँ पर हम जो कर रहे हैं इट इज बाय इंडिकेटर डायग्राम। जैसे कि हम मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, सेम वही चीज यहां पर हो रही है, ठीक है। ओके, देखो यहां पर आप एक चीज, यहां पर बेटा ए वन है, ये बी वन है, ये डी वन और ये सी वन, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए वन डी वन इज इक्वल्स टू बी वन सी वन, बिकॉज देर इज नो मच मोर डिफरेंस, कोई ज्यादा डिफरेंस आता वो दिख नहीं रहा है हमें। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए वन डी वन इज इक्वल्स टू बी वन सी वन। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं प्रेशर जो है क्या है, कॉन्स्टेंट है। प्रेशर कैसा है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। जबकि अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, देखो ये चेंज आ रहा है इतना। तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे कि डी वन सी वन इज इक्वल्स टू डी वी, वी कैन से इंक्रीज इन वॉल्यूम। बुलवाई बात समझ में? और यहाँ पे हम लिख सकते हैं dw is equal to p dot dv, जैसे हमने पहले भी लिखा था उसी तरीके से, because pressure into dv, तो dv that is the we need to take, dv की वैल्यू कितनी आएगी। तो प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a1 d1 से, और dv को c1 d1 से। यस और नो? प्रेशर को हम लिख सकते हैं ए वन, जस्ट अ मिनट, प्रेशर को हम लिख सकते हैं, ये समझ में आया स्टेप कि नहीं आया? यस सर, समझ आया। प्रेशर को हम डिनोट कर रहे हैं दिस सेल। जैनम, जैनिल, जागृत, सो रहे हो, जग रहे हो? जग रहा है सर। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है?
यस सर। देखो जो मैंने पहले किया था वही चीज है, इसलिए मैं वापस से रिपीट टेलीकास्ट नहीं कर रहा हूँ आपको, सिंपली ये चीज समझा रहा हूँ कि हमें डीडब्ल्यू निकालना है, मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो प्रेशर इनटू डीवी ये करना ही तो पर पता ही आपको। अब आप देखो यहाँ पर ना, ये देखो ये जो मैंने लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, तो आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अगर आप यहाँ पर एक रेड लाइन में से मैं बना देता हूँ, देखो जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या आपको कोई प्रेशर डिफरेंस दिखाई दे रहा है? A1 D1 और B1 C1 में क्या कोई प्रेशर डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं, जबकि वॉल्यूम में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे D1 C1 से, राइट? तो प्रेशर को हमने रिप्रेजेंट किया है A1 D1 से और DV को हमने रिप्रेजेंट किया है D1 C1 से, D1 C1। बोलो आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे क्या yes, कहेंगे कि ये जो एरिया मैंने शेड किया है A1 B1 C1 D1, तो हम यहाँ पे कहेंगे एरिया ऑफ द शेडेड स्ट्रिप, एरिया ऑफ द शेडेड स्ट्रिप, ठीक है? तो ये कितना है, तो हम लिख देंगे A1 A1 D1 B1 C1, ये एरिया आपको कवर करना है, ठीक है? बस आप ये एरिया निकाल दो तो आपको मेरा क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ A1 D1 C1 V1। बोलो आ गई बात समझ में? ये हमने ले लिया एरिया के लिए, हम क्या करेंगे अब, पूरे का निकालना है। ये तो हमने इतने का निकाला वर्क डन, पूरे का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए डी सी बी। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए डी सी बी। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। पक्का? यस सर। यहां तक कोई डाउट है किसी को, तक कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। ठीक है चलो, ओके ग्रेट। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ चलो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली वी कैन से इट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज इट सेल्फ फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। सबको पता है ये चीज? नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सटेंड्स दिस लॉ टू इंक्लूड हीट एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सटेंड दिस लॉ सो एज टू इंक्लूड हीट एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके नाउ लिसन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to first law of thermodynamics, if an amount of heat dq is added to a system, a part of it may increase its internal energy, may
इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी बाय एन अमाउंट बाय एन अमाउंट डी यू. ठीक है. While the remaining part may be used up as the external work DW done by the system. While the remaining part, may be used up as the external work DW done by the system. बोलो यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. So according to first law of thermodynamics, if an amount of heat dQ is added to a system, मतलब अगर आपने certain amount of heat add की है, तो क्या होता है? A part of it may increases internal energy by an amount dU. तो internal energy को हम represent कर रहे हैं dU से, जबकि remaining part जो है, वो किसमें use होती है? In the external work done by the system. बोला ही बात समझ में? तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो heat हमने add की है dQ, वो utilize हो रही है in the form of dU. प्लस DW, राइट? DQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? DU प्लस DW. सो DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, राइट? अब यहां पर एक चीज समझो कि अगर मान लीजिए जैसे हमने पहले स्टडी किया था उसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर एक केस स्टडी करते हैं, जैसे कि जैसे यहाँ पर मैं एक सिस्टम बना देता हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमने इस ले लिए हैं और ये हो रहा dx, ये हमने पॉइंट लिया है ए, प्रेशर पी, वॉल्यूम वी, और बी प्रेशर पी वी प्लस डीवी. अब समझो यहां पे कंसीडर अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर प्रोवाइडेड विद अ फ्रिक्शन एंड वेटलेस पिस्टन. जैसे हमने पहले स्टडी किया था सेम वही सिस्टम हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं. ठीक है. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सपोज दैट द पिस्टन मूव्स थ्रू एन इनफिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस dx एट कांस्टेंट प्रेशर p. तो dx डिस्टेंस मूव कर रहा है, dx डिस्टेंस मूव एट कांस्टेंट प्रेशर p, सो दैट इट्स वॉल्यूम इन द फाइनल स्टेट विल बिकम्स v प्लस dv. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा? तो dW इज इक्वल्स टू आ जाएगा फोर्स ऑन पिस्टन. तो फोर्स कितना आएगा? तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ? dx हो गया. ठीक है. अब आप समझो एरिया इनटू dx जो है वो क्या हो जाता है? तो dW हो जाता है. तो व्हाट वी कैन राइट dW इज इक्वल्स p इनटू dv. ठीक है. तो dq जो है उसको हमने क्या लिखा है? du प्लस डी डब्ल्यू. और यहाँ पर आप देखो डी डब्ल्यू जो है उसकी वैल्यू क्या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं? सो वी कैन राइट डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी टाइम्स ऑफ डी वी. बोलो आई बात समझ में? डी क्यू यस सर डी यू प्लस पी टाइम्स ऑफ डी वी. बोलो आई बात समझ में? अच्छा अब यहाँ पर एक चीज और देखो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए.
साइन कन्वेंशन को हम समझेंगे यहाँ पे। तो देखो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, वर्क डन बाय अ सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है देन टेकन एज अ पॉजिटिव। दूसरा है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय अ सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करेगा तो पॉजिटिव आएगा, एंड वर्क डन ऑन अ सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर काम किया जाएगा देन इट विल बी टेकन एज अ नेगेटिव। ठीक है, तीसरा है अगर हम सिस्टम में हीट को ऐड करेंगे तो वी कैन से हीट गेन्ड, हीट गेन्ड, और यू कैन से एडेड टू द सिस्टम बाय अ सिस्टम, तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, व्हाइल हीट लॉस्ट। ठीक है, अगर हीट लॉस हो रही है तो इसे कह सकते हैं एक्सट्रैक्टेड, अगर निकल रही है बाहर उसमें से देन बाय द सिस्टम टेकन इट एज अ नेगेटिव। अगर देयर इज अ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम देन टेक इट एज अ पॉजिटिव। तो हम यहां पे ये कहेंगे कि इफ देयर इज इंक्रीमेंट इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देन टेक इट एज अ पॉजिटिव। तो वी कैन से इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, तो हम उसे लेंगे पॉजिटिव। दूसरा है व्हाइल द डिक्रीज इन इंटरनल, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम देन टेक इट एज अ नेगेटिव। बोलो आई बात समझ में आता? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया साइन कन्वेंशन जो हमें यूज करना रहता है। बोलो ध्यान रहेगा।